आगरा में अचानक मौसम ने करवट ली है। आसमान से बरसती आग पर तेज आंधी और बरसात ने ब्रेक लगाया। आगरा में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। गर्मी के तेवर ढीले हो गए। आम जनता को गर्मी से राहत मिली है। उन्नाव नेशनल हाईवे पर फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर चालक ने जेसीबी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक से जा रहे दो युवक डंपर की चपेट में आ गए, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें दो की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार प्रेस क्लब द्वारा आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह में शिरकत की। डीजीपी अभिनव कुमार ने पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए उनकी काम की सराहना की। गर्मी से हाल बेहाल लोगों को परेशानी हो रही है। हरिद्वार के रामघाट पर तीर्थ पुरोहितों ने गंगा में खड़े होकर जप तप किया और मां गंगा से इस तपती गर्मी से राहत देने की मांग की। इतना ही नहीं, मां गंगा से उन्होंने देश भर में आग के कारण हो रहे हादसों पर रोक लगाने की अरदास भी लगाई। सुबह से लेकर शाम तक हरिद्वार की हर की पौड़ी से लेकर सभी गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 31 मई तक के लिए बंद की गई है। इसके चलते हजारों यात्री हरिद्वार में फंस गए। हरिद्वार में फंसे हजारों यात्री कई दिनों से यहां रुककर इंतजार कर रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन मिले तो चारधाम यात्रा के लिए जाएं। सिंधौली ब्लॉक के गैरतपुर गांव के कई किसान ठगी का शिकार हो चुके हैं। आरोपी के किसानों से ठगी करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उन्हीं के गांव का पड़ोस के गांव बिलनपुर गद्दीपुर का रहने वाला कमलेश नाम का व्यक्ति है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बुंदेलखंड के जलौन जिले में भी गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है। जलौन जिले में भी तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। जिले में लू लगने से दूसरी मौत हो गई है। कल कलापी में, आज जलौन में एक बुजुर्ग की मौत हुई। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शेष विधिक कार्यवाही शुरू की। कासगंज पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में अभियान जारी किया है। अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 तमंचे 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने 3 अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले से कुचलकर 2 युवकों की मौत के मामले में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अमिताभ ठाकुर ने FIR में जिला और पुलिस प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। पत्नी नूतन ठाकुर के साथ पहुंचे थे अमिताभ। सांसद ब्रजभूषण सिंह और करण भूषण ने सफाई दी, काफिले नहीं लड़कों की गलती से हुआ था हादसा। 4 जून मतगणना दिवस को मौसम विभाग की ओर से भीषण गर्मी की घोषणा की गई है। इसी के चलते मतगणना दिवस को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी राकेश कुमार ने अधिकारियों संग कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया, जहां गर्मी के मद्देनजर बिजली और जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस के अधिकारियों PWD और अन्य विभागों के साथ भी बैठक ली गई। यूपी के बाराबंकी में रियल एस्टेट के व्यापारी सचिन मिश्रा और उनके पार्टनर प्रकाश वर्मा पर हमले की बात सामने आई है। प्रकाश वर्मा के भाई का आरोप है कि विपक्षी तौफीक नितिन यादव और हरिशंकर यादव ने होटल पर चाय पी रहे थे, उनके भाई पर अचानक से हमला बोल दिया। वहीं द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष ने उन लोगों पर हमला किया, हालांकि इस मामले में गोली चलने की भी सूचना मिल रही है। खेत में काम करने गई महिला के साथ छेड़छाड़ थाने में शिकायत करने पर आरोपी दीपक ने अपने भाई के साथ महिला के घर पर बोला हमला। लाठी डंडे और सरिया से महिला पर हमला किया। मारपीट की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वही आरोपी फोन पर महिला से अश्लील बातें किया करता था। एटा में महिला और मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात महिला व 4 वर्षीय मासूम का मृत अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आगरा रोड स्थित गांव सवंत खेड़ा के पास 4 वर्षीय मासूम व महिला का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, CO जलेसर व अवागढ़ पुलिस सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर निरीक्षण करने में जुटी है। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। फतेहपुर में दबंगों द्वारा बीच सड़क पर युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है। पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। आधा दर्जन लोगों द्वारा लाठी डंडे से पीटने पर युवक अधमरा हो गया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के हरदोई जिले में नोतपा का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। अब इसका असर मशीनरी पर भी पड़ने लगा है। पिछले गर्मी में अब ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए पानी का सहारा लिया जा रहा है। पानी डालकर ट्रांसफार्मर ठंडा किया जा रहा है। हरदोई के शाहबाद में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। उन्नाव में आज लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला। RTO ऑफिस के बाहर फिटनेस के लिए आए JCB में तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इस दौरान GBC के पास खड़े 4 लोग चपेट में आ गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।